पूरा टाई कोट बूट कोट पहन कर गए और जा करके एक दुकान में धावा मारे, बोले इनकम टैक्स ऑफिसर में हूँ, आप दिखाओ आपका कागज दिखाओ। और उनको पता था उसमें कमी क्या, बोले तुमको इतना 500 रुपया फाइन होगा। इसलिए में क्या हुआ, दूसरे दुकान वालों को पता चल गया इनकम टैक्स का ऑफिसर आया हुआ है और सबको हिसाब मांग रहा है और सभी का कुछ ना कुछ गलती है। सारे दुकान बाजार वहीं पर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए सब माफी मांगने लग गए, हमारी कमी हमारी कमी। फिर उन्होंने अपना स्वरूप को छुपा दिया, बोले मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं बंगाल से, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये बंगाल से आ रहे हैं, 5 लोगों के लिए ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ, केवल भिक्षा के लिए आया। बॉस बोले महाराज जी कोई चिंता मत करो, 5 लोगों के लिए खाने पीने का चीज हम इतना टिन घी देंगे, इतना टिन तेल देंगे, इतना टिन चावल देंगे। बस उन्होंने पूरा के पूरा ब्रजमंडल पर प्रभुपाद आ रहे थे ना बंगाल से, ये होली गेट में बात है, होली गेट की बात है उन्होंने, हाँ 5 लोग, इसलिए 5 लोग गए। इसलिए फिर उन्होंने पूरा की व्यवस्था कर दिया उन्होंने ऐसे थे। एक समय उन्होंने जब कहीं जाते थे, बोले ना कार में जाते थे, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग और अरब खरब थी, तब उन्होंने पूरा जब चलते थे पूरा पगड़ी बांध करके और बढ़िया कपड़ा पहन कर बढ़िया कार किराए में ले लेते थे, ले करके उन्होंने गए बड़े व्यक्ति के पास में, बोले अब से हम कुछ समय चाहते कुछ भगवान की कथा सुनाएंगे। बोले मेरे पास में कोई भगवान कथा सुनने का कोई समय नहीं, क्योंकि चारों तरफ में फोन लगा हुआ और इतने बड़े बिल्डिंग और इतने हजार हजार लोग काम कर रहे। उन्होंने केवल एक बार गए, लेकिन जब कुछ दिन बाद में फिर उधर से होते हुए जा रहे थे, बोले एक बार जा चक्कर लगा कर देखता हूँ वो व्यक्ति क्या कर रहा है। जब वहां पर गए देखा बिल्डिंग पूरा खाली, पूरा बिल्डिंग एक व्यक्ति भी नहीं, बोले ये क्या हो गया। तब उन्होंने लोगों को पूछा, मैंने कुछ दिन पहले साल पहले आया था यहाँ पर, इतने हजार लोग काम कर रहे थे, यहाँ पर एक अरब पति था वो गया कहाँ, बोले उसका लाल बत्ती जल गई, पूरा बिजनेस उसका खत्म हो गया है। जब वो बिल्डिंग से उतर रहे थे, उतर तक फुटपाथ में एक व्यक्ति कुछ कपड़ा लेकर बैठा हुआ अपनी तरफ। जब उन्होंने उनको पूछा ये बिल्डिंग का मालिक कहाँ गया, तो उसने कहा महाराज मैं हूँ। बोले आप हो, बोले ये क्या, बोले मेरे सारे लाल बत्ती जल गई, पूरा बिजनेस फेल हो गया। आप उसी समय कुछ सुनाने के लिए आएगा ना, अभी मेरे पास में समय है, उसी समय इतने में बिजी था मेरे पास में कथा सुनने का समय नहीं था, अभी मेरे पास में समय है। आप उनका एक आसन देकर वहां बैठा है, फिर उन्होंने कथा सुनाया, इतने सुंदर उन्होंने कथा सुनाया, लब था सुदुर्लभ निधन बहुत संभवान थे। उन्होंने ये श्लोक को उन्होंने व्याख्या की, इतने 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है, लेकिन ये जो विषय है विषय कल सर्वज्ञात, कुत्ते गधे सुअर किसके पास में भी नहीं बताओ, किसके पास में बच्चे नहीं, हम कितने बच्चे जन्म देते हैं, वो तो सुअर एक साथ 20-25 बच्चा जन्म देता है, उनको भी लालन पालन करता है, लेकिन भगवत भजन और किसी जीवन में नहीं होता है, केवल किसी जीवन में। फिर उन्होंने समझाए, भगवान कहते हैं जैसे हम अनुग्रह नामे हरि से तत् धनोसनि, मैं जिसको ऊपर मैं सही सही कृपा करता हूँ उनको पूरा के पूरा उनका सारे धन संपत्ति में संपूर्ण नष्ट कर देता हूँ जिसको ऊपर सही कृपा करता हूँ। दूसरे श्लोक में कहते हैं अगर फिर वो व्यक्ति कोशिश करता है बिजनेस करने के लिए, कृष्ण खुद कहते हैं अगर उसको ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ ना, उसको बीच में मैं खड़ा होकर के उसको सारे बिजनेस को तसनस कर देता हूँ, कृष्ण खुद कहते हैं। फिर जब सारे तसनस कर देता हूँ फिर वो विफल मन रथ हो जाता है। पहले जितनी यार दोस्त परिवार कब होते हैं आपको, बोले आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा है। आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा है। पैसा गए तुम कौन हो, फिर कैसे नहीं तुम कौन हो। इसलिए कहते तुम्हारी पर भगवान की विशेष कृपा है, जो भगवान ने सब कुछ हरण कर लिया। कृष्ण कहते जेकर हमारा आस तार करी सर्वनाश, बपू नाचारे हमारा आस तबे करी अमितार दासर दास, बोले तुम्हारे पर विशेष कृपा। तब उन्होंने प्रभुपाद को पास में लेकर के आए और उनको उन्होंने प्रभुपाद का चरण आश्रय करवाया, फिर भजन में लग गया। इसलिए ये महापुरुष पहले गौड़ीय मठ में हमारे गुरुदेव कहते थे जब आए ना, बहुत साधारण स्थिति था,
कभी कभी तो फ्लोर में साफ करके उसमें खाते थे, सजना साग में चावल देकर किसी तरह से खाते थे। इतने ऐश्वर्य वैभव नहीं था गौड़िया मठ में पहले। अब प्रभुपाद पहले निर्जन में भजन करते थे बहुत सीधा साधा रूप में, लेकिन ये गौड़िया मठ का जितने सारे ऐश्वर्य आप देख रहे हो, ये सर्वप्रथम यही महापुरुष भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उन्होंने जा करके ट्रक ट्रक का तेल चावल दाल उन्होंने भिजवाया। जब उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने मायापुर में एक ट्रक सामान भेज दिया हमारे गौर चैतन्य गौड़िया मठ का नाम पर, लेकिन जब एक ट्रक सामान आ गया, बोले ये इसका एड्रेस ही है, बोले नहीं ये नहीं, और भी दे। उनको विश्वास नहीं हो सकता है गौड़िया मठ में इतने कई भिखिया, लेकिन जो व्यक्ति सजना साग चावल वगैरह खाने वाले और कोई व्यक्ति इतना ट्रक दाल चावल, बोले ये नहीं शायद इसको आस पास कोई होगा चले जाओ। फिर उन्होंने गए घूम करके आए, घूम करके आए, बोले भैया जी चैतन्य गौड़ी मठ प्रभुपाद कौन है, सब बोले भाई यही है। फिर घूम करके यही पर आए, बोले नहीं यही का, बोले नहीं ये हमारी नहीं हो सकता है। फिर उन्हें जोर जबरदस्त मठ में उतार करके चले गए। मतलब इन्होंने सर्वप्रथम गौड़िया मठ का जो वैभव है यही महापुरुषों ने जगत में स्थापन की। इसलिए जैसे श्रीमान महाप्रभु क्या करते थे, मतलब एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक अभिष्ट, जैसे रूप गोस्वामी के द्वारा रस की, जीव गोस्वामी के द्वारा सिद्धांत की, ऐसे जैसे किसको द्वारा प्रयोजन तत्व, कहते इन प्रभुपाद भी एक एक भक्त हैं। हम सुनते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, सचमुच से प्रभुपाद का जो गण है, सचमुच से एक व्यक्ति जिधर गए ना सारा विश्व ब्रह्मांड को तोड़ फाड़ कर दिए, सारे विश्व ब्रह्मांड को जिधर जिधर गए क्या क्या वैभव। इसलिए प्रभुपाद का जो गण है ये लोग कोई साधारण नहीं, कहते इन्होंने उनको गौड़िया मठ में कैसे लाए, हम हमारे भक्ति प्रकट कैसे बोलते हैं। महाराज बोलते थे एक दिन ये और इनको साथ में कोई दो व्यक्ति आए, पूरा मायापुर दर्शन करते करते आए, अरे हरेली ऑफिसर दो व्यक्ति आए, अति अतेंद्रिय दशाधिकारी और हाँ ये, हाँ ये दोनों आए दर्शन करने के लिए मायापुर। जब आए उसी समय में पूरा दर्शन करते करते ठीक दोपहर में पहुंचे चैतन्य मठ में। इतना तो ऐश्वर्य नहीं था साधारण घाट का। उन्होंने जो पूरे भूखे थे जब यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञा के सब गोस्वामी महाराज, बोले एक काम कर जाओ आप स्नान करके आओ हम व्यवस्था करते हैं। जब वो स्नान करके आए उन्होंने फटाफट किया किया चावल एक साथ चावल और उसमें कुछ दाल को मूंग दाल को बांध कर दे दिया और कुछ आलू उसमें दे दिया। देख करके हमारे भक्ति प्रज्ञा के सब गोस्वामी कैसे अतिथि इनको कैसे उन्होंने भक्ति में लाए। तो उन्होंने जब उन्होंने स्नान करके आए ना चावल बन गया, दाल भी उबल गया, छौंक दे दिया और आलू का एक सब्जी बना दिया और आलू का भरता बना दिया। अब तो पता होगा हाँ आलू गोश्त बना दिए, अब तो पता होगा बंगाली लोगों को आलू मिल गया चावल मिल गया ना बस भगवान मिल गए उनको भगवान मिल गए। उन्होंने फटाफट उन्होंने ना एक साथ में तीन चार सब्जी बढ़िया बढ़िया बना करके ठाकुरों को भोग लगा रहा, पेट में आग लग रही थी बड़ा भूख था, स्नान करके आती और इतना सारी चीज बाबा रे गर्म गर्म चावल दाल आलू दम और आलू पस्त और दाल बस खा करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए खा करके जैसे उनको भगवान मिलेगा। फिर भगवान का प्रसाद है, फिर किसी शुद्ध भक्त ने बनाया, उनका मन संपूर्ण परिवर्तन हो गया। और जब प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे, जब फिर प्रभुपाद को दर्शन किया, फिर ठाकुर को दर्शन किया ना, इन्होंने इतने प्रसन्न हो गए, बोले हर महीना में मैं 5 रुपया यहाँ पर भिक्षा दूंगा, 5 रुपया। और उसी समय 5 रुपया बोलते थे महाराज जी 5 रुपया में एक महीना मंदिर का खर्चा इनकी पैसा में चलती थी गौड़िया मठ पूरा पूरा महीना का। लेकिन जब धीरे धीरे लेकिन इनका जो बड़ा ऑफिसर बने बोले मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बोले 5 रुपया दूंगा। लेकिन जब प्रभुपाद का संबंध में संपर्क में आए, हरि कथा सुने, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान ये मानव शरीर हमें दियो क्यों दिया है क्यों, बोले कृष्ण भजिवार तेरे संसार आई नो मिच्छे माया बद्ध हरिया वृक्ष समायन। जब उन्होंने हरि कथा सुने बोले प्रभुपाद मैं चाहता हूँ आपका श्री चरण में आकर के भजन करूं। बोले अच्छी बात है, लेकिन मंदिर का जो दूसरे भक्त तो चिंता में पड़ गए, बोले इनके 5 रुपया में पूरा मंदिर का खर्चा चलता, ये कहते हैं मंदिर में आ जाएंगे फिर तो मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा। जब उन्होंने पूछे बोले आप चिंता मत किया करो,
ओके बोले आप चिंता मत कर, महीना में 5 रुपया देता था ना, आप चिंता मत कर, संपूर्ण मंदिर को मैं चलाऊंगा। सचमुच से उन्होंने ऐसे भिक्षा की, ऐसे उन्होंने भिक्षा की प्रभुपाद की सेवा की, भैर तो दूसरे विश्व ब्रह्मांड में ढलका बजा दी। इसलिए जब प्रभुपाद के साथ में यहीं पर आए थे, प्रभुपाद भी बोले थे, उनका तस्वीर वहां पर है, यहीं पर आए प्रभुपाद बोले थे, स्थान को देखकर जो सुअर घूमता था, हम लोग भी जब पहले पहले आते थे, बहुत जंगल बंगल था, इतना कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी ये एक सिद्धर पीठ है और ये ऐसे एक स्थान है। श्रीमान चैतन्य कृष्ण क्यों कलयुग में श्रीमान महाप्रभु का रूप में क्यों आए हैं, क्योंकि यही स्थान मूल उद्देश्य है। क्योंकि जब यही पर कृष्ण जब राधा रानी की चिंता करते 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 संपूर्ण डूब गए थे, फिर यद्यपि कृष्ण रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, कृष्ण ने देखा यद्यपि मैं रस स्वरूप आनंद स्वरूप है, लेकिन जब आज मेरे श्री राधा रानी का भाव में जब संपूर्ण डूबा, मेरे को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, दिव्य आनंद की है। क्योंकि कृष्ण को जितने आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण राधा रानी को आनंद मिलती है, करोड़ों गुण, 100 गुणा नहीं। ये चीज कृष्ण कहाँ अनुभूति की, बोले यही पर ही उन्होंने अनुभूति की, राधा रानी के प्रेम में कोई विशेष चीज है। तब भी कृष्ण यही पर ही संकल्प किया था, एक दिन मैं स्वयं राधा भाव दूत सुगोलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, मैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में मैं आऊंगा, कभी ये स्थान मेन स्थान है। इसलिए स्थली बहुत बढ़िया स्थली है, हमारी गौड़ीय वैष्णव की महाप्रभु धारा की ये बहुत विशेष विशेष स्थली है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए गुरु वर्ग से प्रार्थना करें, महाराज से प्रार्थना करें, वो भाव का एक बूंद अगर हमारी आस्वादन का विषय हो, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। पश्चात कृपा श्री भयो नाम पावन।